तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड यस जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो डाला था कि हम लोगों ने ऑस्ट्रिया के वीजा के लिए अप्लाई किया था, एंड वो घड़ी आज आ गई है। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम मुंबई टू वियना। यस, और हमारा लेओवर है, सो यहाँ से मुंबई टू अबू धाबी एंड देन अबू धाबी से वियना का फ्लाइट है। सो अभी हम लोग इमिग्रेशन करके बैठे वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। एंड इमिग्रेशन में आपको सिर्फ वीजा दिखाना है एंड बोर्डिंग पास, दैट्स इट। बाकी कुछ भी डॉक्यूमेंट दैट्स इट लेके नहीं जाना है। सो काफी स्मूथली हुआ, इट वेंट वेरी स्मूथ एक्चुअली। बहुत फटाफट, सिर्फ लोगों का भीड़ था बट इमिग्रेशन ऑफिसर ने बहुत फटाफट से किया। अभी देखते हैं कि जो हमारा लेओवर है अबू धाबी में, तो वहां पे कितना स्मूथली जाता है। सो या लेट्स गो अहेड। Later. So we have reached to Abu Dhabi Airport, जो हमारा only layover है। Yes. तो हमारा जो फ्लाइट था वो इथियाड का था, और अभी जो कनेक्टिंग है वो भी इथियाड का ही है। सो टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, सो हम लोग तो इससे पहले सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस से गए इंटरनेशनल ट्रैवल, सो उससे ही कंपेयर कर रहे थे हम लोग। सो हम लोग को सिंगापुर एयरलाइंस काफ़ी अच्छा लगा था। इवन फ्लाइट भी थोड़ी मतलब लेग स्पेस भी स्पेस ज़्यादा था उसमें, इसमें कंपेयर टू कम था, थोड़ा डोमेस्टिक वाला ही फील आया। बट ठीक है, अभी वो हार्डली 2.5 आवर का जर्नी था। एंड सर्विस भी मुझे थोड़ा इत्याद का स्लो लगा, बहुत 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 स्लो। हाँ, पता नहीं उनका स्टाफ शायद कम था या जो भी हो। तो एनीवेज अभी सेम इत्याद का ही फ्लाइट है, तो ऑलमोस्ट 5.5 घंटे का जर्नी है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बट ये फ्लाइट में पता नहीं कुछ लोग तो खराटे मार मार के सो रहे थे, हमें तो नींद ही नहीं आ रही थी। टॉकिंग अबाउट द बोर्डिंग पास एंड ऑल, अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगा तो बोर्डिंग पास आपको फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, दोनों बोर्डिंग पास आपको वहीं पे मिलते हैं। मतलब मुंबई से ही हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ा, तो मुंबई में ही हमें दोनों बोर्डिंग पास मिले। और इमिग्रेशन प्रोसेस अबू धाबी में फिर करने की जरूरत नहीं है, सीधा फिर हमारा वियना में ही हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस होगा। यस, एंड इफ इन केस आपका अगर लेओवर अबू धाबी में है, तो आपको फ्लाइट से बाहर आके ट्रांसफर्स के डायरेक्शन में जाना है, फिर वहाँ पे उनका डिपार्चर्स है और अराइवल, बेसिकली एग्जिट नहीं करना है फ्लाइट से बाहर आके। सो वो एक पॉइंट था। बाकी यहाँ पे खाने के लिए तो ऑलमोस्ट सब है, मैकडोनल्ड्स KFC एंड इनके लोकल फ्रेंचाइजीज एंड ऑल, वो सब भी है। तो शॉपिंग करने के लिए भी है, तो ये बेसिकली ये फेमस ही है शॉपिंग के लिए। बट ये छोटा है, मतलब ज्यादा वॉक नहीं करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि मुंबई में तो काफी ज्यादा वॉक करना पड़ता है। बट यहाँ पे एकदम ही पास में था, हार्डली 5 मिनट्स का वॉक किया हम लोगों ने और डिपार्चर के यहाँ पे पहुंच गए थे। 5 मिनट्स का वॉक, बट एक्चुअली वो जो बैग चेकिंग का जो लाइन था वो काफी zigzag, तो उधर 15-20 मिनट तो नंबर आने में ही लगा, बट एक बार नंबर आने के बाद 5 मिनट में ही खत्म हो गया। यस, तो या अभी हमारा है नेक्स्ट फ्लाइट टू वियना, सो लेट्स गो। Six hours later. So we have reached to Vienna. Yes, और इमिग्रेशन भी हो गया है यहाँ पे। इमिग्रेशन एक्चुअली बहुत स्मूथ था यहाँ का। जस्ट पासपोर्ट देखा, जहाँ पे वो वीजा का स्टैम्प रहता है, जस्ट पूछा कि कितने दिनों तक आए हो, कभी जाने वाले हो, दैट्स इट। यस, और अभी लगेज भी कलेक्ट किया हम लोगों ने जस्ट, और अभी हमारा यहाँ से प्लान है कि हम लोग ट्रेन से वेस्ट HBF इनका जो सेंट्रल स्टेशन है उधर जाएंगे, OBB ट्रेन से, एंड देन वहाँ से हमारे होटल तक ट्रैम से। एंड यहाँ से ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कैट है, बट इनका जो एयरपोर्ट का ट्रेन है, बट वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, सो
तो हम लोग उससे नहीं जा रहे। इवन बसेस के भी ऑप्शन है जो इनके एयरपोर्ट से सेंट्रल स्टेशन तक लेके जाते हैं, बट वो भी थोड़ा कंपेयर टू ओबीबी ट्रेन वो थोड़ा कॉस्टली है। सो अभी हम लोग सबसे चीपेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, दैट इज ओबीबी ट्रेन। उसमें हार्डली हम लोग को 3-4 यूरोज लग जाएंगे। तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि कहाँ से जाना है, अब तक हम लोग को मिला नहीं है वे ओबीबी ट्रेन के लिए। एंड अबाउट सिम, तो हम लोगों ने ये टाइम तो इंटरनेशनल रोमिंग ऑन किया है दोनों के सिम्स के लिए, और कल्पेश ने और एक सिम भी लिया था मैट्रिक्स का, तो उसका इन्फॉर्मेशन अब हम लोग डिटेल में आपको दे देंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट चालू किया, एक दो दिन थोड़ा यूज करते हैं, देन वी कैन लाइक सजेस्ट यू कि वेदर टू यूज दिस और नॉट, बिकॉज मेरे पास वोडाफोन है, रसिका का एयरटेल है। रसिका ने एयरटेल का 10 डेज का प्लान ऑप्ट किया, मैंने 15 डेज का ऑप्ट किया विच वॉज अराउंड 1500। और सेफर साइड मैंने एक मैट्रिक्स का भी सिम कार्ड लिया, तो एक दो दिन यूज करके आपको बता देते हैं। यस, एंड यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस है सिम्स के लिए, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली, आई मीन 70 यूरोज 80 यूरोज जैसा कॉस्ट है। और ये हम लोग को हार्डली, जो कल्पेश ने भी मैट्रिक्स का सिम लिया है, वो हार्डली 20 यूरोज में मिला है, तो काफी सस्ता है कंपेयर टू दिस। सो या लेट्स गो अहेड, अभी ओबीबी ट्रेन्स ढूंढने। अभी हम लोगों ने जस्ट ट्रेन का टिकट निकाला है एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, बट यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं लगाए ये लोग ने। बट आप अगर एयरपोर्ट से निकलोगे जैसे लगेज कलेक्ट करके, तो सिटी ट्रेन कैट ट्रेन का जो बोर्ड है वो फॉलो करना, आगे जाके फिर आपको ओबीबी ट्रेन के टिकट के जो काउंटर्स रहते हैं वो दिख जाएंगे, एंड उसके फिर बोर्ड उसके फिर डायरेक्टली साइड में ही फिर प्लेटफॉर्म के लिए स्टेयरकेसेस है, तो हम लोग को पहले पता नहीं चल रहा था। और यहाँ पे कोई है ही नहीं कि जो गाइड कर पाए, क्योंकि मतलब बेसिकली भीड़ ही बहुत कम है, तो फिर हम लोगों ने फिर परेशान होके फिर टिकट कलेक्ट करके सीधा नीचे आ गए। हम लोगों ने 2-3 लोगों को पूछा, बट वो लोग भी टूरिस्ट थे। हाँ, तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर हम लोग टिकट लेके सीधा फ्लिप प्लेटफॉर्म पे ही आ गए। तो फिर प्लेटफॉर्म पे एक दो जन से पूछ के फिर कंफर्म किया कि ये स्टेशन से फिर हमारा ट्रेन निकलेगा। यस, और मैंने काफी वीडियोस में देखा था कि टिकट्स वैलिडेट कर रहे होते हैं, बट वैसा कुछ ऑप्शन हम लोग को उधर टिकट निकालते टाइम भी नहीं आया, और हम लोगों ने बाकी एक दो लोगों से पूछा भी कि वैलिडेट कहाँ करना है, क्या करना है, तो सबने बोला कि नहीं करना है ऐसा कुछ, तो अभी देखते हैं, होपफुली वैसा ना हो, नहीं तो खाली फिर फाइन लगेगा पहले। यस, और ये है हमारा रूम। लेट्स हैव अ लुक, तो काफी स्पेशियस है। कबर्ड है, मिनी फ्रिज है, बड़ा सा बेड, और ये पीछे के साइड कुछ खास ऐसा व्यू तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी 11 बजे चेक इन किया एक्चुअली। yes. तो हम लोगों ने अर्ली चेक इन किया, तो अर्ली चेकिंग का हमें चार्जेस लगा 50 यूरोज लगा एक्चुअली। जनरली एक्चुअली यहाँ पे सब होटल्स का 2-3 PM को ही चेक इन होता है, यहाँ का भी 3 PM था, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 4 घंटा अर्ली चेक इन किया, तो उसका 50 यूरो चार्ज लगा, बट वर्थ था क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड थे। Yes. मतलब अगर हम लोग बैग यहाँ पे देके फिर घूमने चले जाते, बट जो नींद आ रही थी काफी, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी फ्लाइट जर्नी, मतलब बहुत
थकान हुई थी हमें एक्चुअली तो, इसलिए हम लोगों ने लिया एक्चुअली। हम लोग पहले सोच रहे थे नहीं ले या फिर डायरेक्टली घूमने जाए, बट बहुत टायर्ड थे दोनों भी तो पूरा दिन हम लोग आज पूरा ऐसे ही मतलब थका थका ही चला जाता, तो बेटर है हम लोगों ने अर्ली चेक इन करके अभी फ्रेश होके फिर हम लोग अभी जा रहे हैं। और हमारा जो एयरपोर्ट से होटल तक का जर्नी था उसमें एक्चुअली तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट तो जो वियना का सेंट्रल स्टेशन है वीएन हैपन ऑफ वीएन एचबीएफ, सो उधर तक तो हम लोगों ने ट्रेन लिया था ओबीबी का। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ट्रैम पकड़ा और हम लोगों ने गलत डायरेक्शन का ट्रैम पकड़ लिया। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे स्टेशन तो ये है ही नहीं, तो फिर हम लोगों ने किसी से पूछा गया अरे ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि अलग गलत डायरेक्शन का पकड़ा है। तो हम लोग उतरे नेक्स्ट स्टेशन पे और हम लोगों ने फिर हमारे डायरेक्शन का ट्रैम पकड़ा। बट ये है कि आप वीएनएचबीएफ पे उतरोगे तो वहाँ पे डायरेक्शंस प्रॉपर है, सब एयरपोर्ट जैसा नहीं है, सो वहाँ पे पता चल जाता है कहाँ कैसे जाना है, तो वो इशू नहीं है। बस अगर आप ट्रैम से ट्रैवल करने वाले हो तो डायरेक्शंस देख लेना, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म तो एक ही रहता है आने जाने का दोनों का, तो इसमें समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है जो बेसिकली स्टेशन पे है वो। So, वो एक चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, दो तीन घंटा भी अगर आप स्पेंड करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और किसी को भी पूछ लेना, बता देते लोग। एंड रिगार्डिंग टिकट, सो हम लोगों ने एक कार्ड लिया था, नॉट वियना सिटी कार्ड, ये 3 डेज का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका टिकट आता है। सो हम लोगों ने वो 72 आवर्स का लिया था, हम लोग 3 ही दिन वियना में रहने वाले। सो हम लोग को वो कम्पेयर टू वियना सिटी कार्ड थोड़ा चिपर लगा, अप्रोक्सीमेटली 17 यूरोज लगे हम लोग को उसके लिए पर हेड, तो वो हम लोग को बेटर लगा। वियना सिटी कार्ड तो हम लोग को आई गेस 28 डॉलर्स 28 यूरोज में मिल रहा था, सो ये बेटर लगा। सो दिस इज इट अबाउट द ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू वियना। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज रहेंगे प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो आज का ट्रैवलिंग तो हो गया है, अभी हम लोग थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा की पी कॉफी वगैरह ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तो ये व्लॉग में इतना ही, इसके बाद अभी हम लोग सेंट कैथेड्रल चर्च जाने वाले हैं, फिर वो जो फेरिस व्हील है उधर वो देखने जा रहे हैं और एक मार्केट जस्ट घूमने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।